हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, मैं अपने चैनल पे अभी कुछ एक या डेढ़ मंथ से आपको कुछ नई तरह की एक वीडियो देना स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूँ और आप लोगों को उस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तक मैंने आपको कुछ दो तीन वीडियो दी है जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिखाया है, भर भर के लाइक दिए हैं और भर भर के व्यूज़ भी दिए हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने आपसे वादा किया था कि कम से कम मंथ में दो या तीन इस तरह की वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इस तरह की वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बिल्कुल न्यू तरीके के आइडियाज देखने को मिलेंगे और न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों नहीं किया। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट और देखने हैं और हमेशा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो, तभी तो वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, और लाइक का बटन जरूर दबा देना, और कोई टारगेट नहीं रख रहा, अनलिमिटेड लाइक है, जितना आपका मन है। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ पीवीसी शीट के पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि पहले के प्रोजेक्ट के यूज हुए पड़े हैं और आज हम इन्हीं का यूज करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट है लाइफ हैक टाइप के, जो कि इन्हीं से बन जाएंगे और आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो वीडियो पूरा बने रहना, उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इसमें से कोई भी एक शीट का पीस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत छोटा सा बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पीस काटेंगे जिसकी लंबाई हम मात्र 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई बस 1 सेंटीमीटर लेने वाले। तो जल्दी से मैं इसको कट कर लेता हूँ। इस तरह के हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं। ठीक है, और एक साथ में इस तरह का पीस कट किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। इसकी चौड़ाई बिल्कुल इसके बराबर है, इसको पहले हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमने इस पीस को चिपका लिया और हमने इस तरह का एक पीस लिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो इस तरह की जो हमारी कील होती है जो दीवार में तारों को रोकती है, ठीक है, इस तरह के कील से हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया है और ये जो है इस कील को हमने इससे निकालने के बाद कुछ इस तरह का बना लिया। ठीक है, तो ये जो पीस है आपको यहाँ से मिल जाएगा और अब इसका क्या यूज करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हमने इस तरह की एक वायर ली है, ठीक है, जिसका भी हम यूज करने वाले हैं। अब किस तरह से यूज करने वाले वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इस वायर को मैंने कुछ इस तरह का शेप दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमें इस चीज को इसके अंदर डाल देना है। तो थोड़ा सा वायर को रीफॉर्म करना है और फिर इस तरह से इसमें डाल देना है। ठीक है, और इसके बाद इसको यहाँ पे फेविक्विक से चिपका देना है इस पीस को। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। ठीक है, चिपका दिया और अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इसके बीच में चिपकाने वाले हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये कुछ बन चुका है। ठीक है, और अब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, बस इसमें अब हमें क्या करना है, एक रबड़ बैंड की जरूरत है। आपको अब सब चीजें दिखा देता हूँ और साथ ही इस तरह की चीजों की जरूरत है। ये क्या चीज है आपको देख कर समझ आ गया होगा, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, दूसरे वाले निपो सेल्स वगैरह जिसमें होल्ड किए जाते हैं, आपको ये टॉय वगैरह से ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप नट बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके का, या फिर लोहे की पत्ती वगैरह का भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ये वाला जो स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस तरह के दो की ज़रूरत है। तो इनको जल्दी से मैं कट करके निकाल लेता हूँ। एक तो हमारे पास ऑलरेडी कट पड़ा है, एक को निकाल लेते हैं। बस देख सकते हो इस तरह के हमने दो कट कर लिए हैं। ठीक है, और अब क्या करना है, इनको यहाँ से थोड़ा सा सैंड पेपर से रफ कर देना ऊपर वाली साइड से। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इस तरह से। और अब क्या करना है ना, यहाँ पे इसको एक को तो नीचे चिपका देना है, ठीक है, कोई भी एक को, और एक को ऊपर चिपका देना है। दोनों को आमने सामने आपस में चिपकाना है इस तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से मैं फैब्रिक से चिपका लेता हूँ। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से चिपका लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे करना पड़ा क्योंकि इससे नीचे टच नहीं हो रहा था। अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि क्या चीज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, जो भी बन रही है देसी जुगाड़ से बन रहा है। और यहाँ पे एक रबड़ बैंड जो हमने लिया था
इसके ऊपर किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से करके, ठीक है, थोड़ा सा टाइटली, और इसके ऊपर इस तरह से लगा देना। तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। बस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के क्लिप टाइप का ये बन चुका है, ठीक है, और रबड़ हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब रबर दोनों साइड से स्लिप कर सकता है, इधर भी नीचे आ सकता है, इधर से भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे पीवीसी शीट के छोटे छोटे पीसेस लगा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब रबर दोनों साइड से नहीं उतरने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे मैं आपको बता दूं कि ये हमने खुद का एक स्विच बना लिया है, ठीक है, जो कि अभी काम भी करेगा काफी अच्छे तरीके से। आपको दिखाऊंगा मैं काम इसको करवा के। और सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों टर्मिनल में वायर जोड़ लेते हैं, एक यहाँ जोड़ लेते हैं और एक यहाँ जोड़ लेते हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये स्विच किस तरह से वर्क करता है। फिर स्विच को हमने यहाँ पे चिपका लिया है, क्योंकि वैसे भी स्विच को हम कहीं ना कहीं तो यूज करते ही है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक बेस में चिपका लिया है, जिससे मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ पे दोनों वायर्स जोड़ लिया है, और चलिए अब इसको टेस्ट जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चलाने के लिए लाइट है, और हम देखते हैं हमारा स्विच किस तरह से काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं स्विच को अगर ऑन करूँ तो जिस तरह से नॉर्मल स्विच ऑन होता है, बिल्कुल उस तरह से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रही है, और अगर मैं बंद करूँ तो बंद हो जाएगी। और इस तरह से थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बन पाया है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से इसका बेस जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है, देख सकते हो। तो लेकिन देख सकते हो इस तरह से ये जल रहा है, काम कर, आपको दोनों ही एक साथ दिखा रहा हूँ। बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ये खुद का एक देसी जुगाड़ से स्विच हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, ठीक है। ये मैंने सोच रहा था कि आपको दिखाना है, और ये नहीं कह रहा कि आप इसे यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन हम खुद भी इस तरह का एक स्विच बना सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे दिमाग में ये वाला स्विच आया, आपके दिमाग में और भी कई तरीके के स्विच आ सकते हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। सेकेंड नंबर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो हमने एक और पीस ले लिया है, और जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से दो पीसेस कट कर लिए, एक थोड़ा सा नाइफ जैसा है और एक इस तरह का है, ठीक है। और अब हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे मैंने ब्लेड का पूरा डिब्बा ले लिया, ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ दो ही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो इसमें से हमारा एक से ही काम बन जाएगा, क्योंकि एक के हम दो पीसेस करने वाले हैं, और पहले बहुत ज़्यादा शार्प रहता है न्यू में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से यूज़ करना है, और इसको दो इस तरीके से धीरे से ध्यान से तोड़ना है, ताकि आपके हाथ में ना लग जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शार्प रहता है ये। और इसको अब क्या करना है, एक तो इस वाले में लगा देना है और एक को इस वाले में लगा देना है। आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये क्या बनने वाला है, बस वीडियो में पूरा बने रहे, मैं इन दोनों को चिपका लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से दो ब्लेड्स हमने लगा लिए, और अब आपको समझ आ गया है कि ये क्या बन गया है, लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीट तो करना ही है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक होल कर देना है और यहाँ पे एक होल कर देना है, और ये जो छोटे वाले नट बोल्ट है इससे हम इनको कस देंगे, और क्या बन गया ये तो आपको पता है, लेकिन करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से होल कर लिया है, ठीक है, और इस तरफ से ये नट डाल के, और इधर से हम इसको बोल्ट से लगा देंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं किस तरह का काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे बन चुके हैं जुगाड़ वाली कैंची, ठीक है, और ये क्या कट कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, देख लो इस तरह का, और इससे हम ज़रा कट करके देखते हैं कि काट पाता है या नहीं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये कट कर पा रहा है पेपर को, और इसलिए मैं हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई कैंची है और आराम से पेपर को कट करिए, ठीक है, देख लो इस तरह से पेपर को कट कर लेती है। ज़रा से ये काफ़ी मोटा लिफाफा है, इसको कट करके भी देख लेते हैं कट पाती है या नहीं। अगर इसको कट कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, देख सकते हो यहाँ से कट करना इसने शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा, नट इसका ढीला हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ से इसको भी इसने कट कर दिया, और काफ़ी मोटा लिफाफा था फिर भी कट हो गया। तो उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा, काफ़ी बढ़िया से काम करता है। और इसको मैंने इसके ग्रिप वाले जो होते हैं ना, इस तरीके के होल्स यहाँ पे नहीं बनाए, ठीक है, जिसमें हम अपनी उंगली फंसा सकें। तो बस इसी तरह से लाइफ है, आपको दिखाना था एक तरह का, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कट कर, आपको काटने की आवाज़ भी आ रही होगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट भी पसंद आया होगा। चलिए जल्दी से तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तो
गाइस तीसरे नंबर के लिए मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको कुछ अपने हैक्स बताऊंगा कि मैं किस तरह से, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि खुद के कुछ हैक्स होते हैं करने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी फुल वीडियो पड़े हुए, हमारे पास दो दो वीडियो पड़ी है चैनल पर, ठीक है, देख सकते हो जाके। हो सके तो वो वीडियोज ढूंढ कर मैं आपको उसका थंबनेल आपको शो कर देता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। कई बार ऐसा होता है ना, इसकी रेंज कम काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 10 या 20 फीट तक जाएगी, या फिर 10 मीटर मान लो, 10 मीटर से आगे जाएगी, तो ये मतलब आवाज़ इसकी कट कट के आने लग जाती है, रेंज बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, यहाँ जो इसका एंटीना आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे हमें खुद का एक बनाकर एंटीना लगाना पड़ेगा अलग से, ठीक है, जो आप कई तरीकों से बना सकते हो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप एंटीना बनाकर लगा सकते हो, जिससे कि इसकी रेंज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। आपको मैं वीडियो का थंबनेल भी शो कर रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो मेरी वीडियो को। आपको मैंने यहाँ पे एंटीना लगा कर दिखाया है और वो काफ़ी अच्छा काम भी किया था, आपको मैं पूरा रेंज टेस्ट करके भी दिखाया था, तो वहाँ वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। साथ ही आपको मैं, आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हो कि भाई आप अपने मोबाइल की बैटरीज कैसे चार्ज करते हो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं चार्जिंग में मॉड्यूल नहीं लगा के दिखाता, वैसे तो मैं मॉड्यूल लगाता नहीं हूँ जल्दी, ठीक है, और कई बार फीमेल सॉकेट भी नहीं लगाता हूँ, तो मैं ऐसे अपने मोबाइल की बैटरीज को कैसे चार्ज करता हूँ, तो आपको चलो वो वाला जुगाड़ भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक नॉर्मल सी मोबाइल की बैटरी है, जिसमें हमने शोल्डर कर रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हमें चार्ज करना है, कोई भी मॉड्यूल वगैरह नहीं है, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वाला ये चार्जर है, ठीक है, जिसमें 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इसको नॉर्मली 1 एम्पियर में ही लगाना है, 2 एम्पियर में मत लगाना, क्योंकि बैटरी हमारी काफ़ी सी नॉर्मल से साइज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या करना है, बस एक इस तरह का USB लेना है, USB पिन जो होता है, देख लो इस तरह का एक USB पिन है, जिसको यहाँ से मैंने कट कर दिया है, ठीक है, और दो वायर निकाल लिए जो कि माइनस प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनको ऐसी तरह से कनेक्ट कर देना जिस तरह से ये है, इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है, और ये जो है ना, ये जो भी आपका USB है इसको आपको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो चार्जर की लाइट जल चुकी है, यहाँ पे देख लो चार्जर की लाइट आपको जलती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पावर इसमें जा रही है, इसलिए चार्जर से अभी LED चार्जर की जल रही है, ठीक है। तो मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ, तो चार्जर की LED हल्की सी बड़ी है, ठीक है, जिससे कि अभी हमारा चार्ज होना शुरू हो गया है। और इस तरह से चार्ज करते हैं, जब भी हम इस तरीके से चार्ज करते हैं तो ये बिल्कुल अनसेफ होता है, ठीक है, मैं आपको ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह से चार्ज करना, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ 10 मिनट ही आपको बैटरी को चार्ज करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर इस तरह से आप लगा के भूल जाओगे तो आपकी बैटरी फूल जाएगी और ब्लास्ट भी कर सकती है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोग कॉमेंट करने वाले हैं अभी कि ये तो बिल्कुल अनसेफ है, तो हाँ मैं मानता हूँ बिल्कुल अनसेफ है, लेकिन मैं जब भी चार्ज करता हूँ मैं इसी तरह से करता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपको याद रखना होता है कि मैंने बैटरी को चार्ज में लगाया हुआ है, नहीं तो अगर आप भूल जाते हो तब आपकी बैटरी खराब हो सकती है और ब्लास्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये एक लाइफ हैक है जो कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, इमरजेंसी में आपको बैटरी चार्ज करनी है, तो आप इस तरह से चार्ज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर, ठीक है, सावधानी के साथ। तो उम्मीद आपको ये सारे लाइफ हैक्स पसंद आए होंगे आज के, उम्मीद आपको वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है। आज के लाइफ हैक उम्मीद आपको पसंद आया होगा, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों को इस तरह की वीडियो से मजा भी आ रहा है, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह की वीडियो मंथ में कम से कम 1 या 2 या 3 तो दे ही दूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये मजा आता रहे और बीच में हमारे प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे, बड़े वाले छोटे वाले जो भी है, ठीक है। तो आप आइडियाज भी नीचे और शेयर कर सकते हो, लाइफ हैक वाले प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ऐसे नहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के आइडिया भी शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट के आइडिया दोगे तो आगे जाके और ज्यादा इस तरह की जो वीडियो आएंगे उसमें और अच्छे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइडिया कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट करने में शर्माया मत करो, आप लोग बहुत, मतलब व्यूज तो बहुत आ जाते हैं लेकिन कमेंट उतने ज़्यादा नहीं आते, इसलिए कमेंट भी कर दिया करो। जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट कर देना कि मैं लास्ट तक देख रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो कर लो, इतनी देर तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चलिए आज की वीडियो में इतना, तब तक ले गुड बाय।